हेलो फ्रेंड्स, सारे सब्जी खाकर हो गए हैं बोर। तो क्या बनाना है? बहुत ही टेस्टी और सबका पसंदीदा है पनीर का सब्जी। पनीर का सब्जी खाने में बहुत ही, किसे नहीं पसंद है फ्रेंड्स, सभी को पसंद है। चलिए आज पनीर की सब्जी बिल्कुल देसी तरीके से और पंजाबी स्टाइल, पंजाबी में लोग थोड़े तीखे खाते हैं, थोड़ी खट्टे खाते हैं, तो हम उसी तरह से बनाएंगे पनीर की सब्जी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से नई नई रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें रसोई मीना के चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में ले लिए सरसों का तेल और पनीर हमारा है 200 ग्राम। तो पनीर को हम फ्राई करके बनाएंगे फ्रेंड्स, आप बिना फ्राई किए हुए बना सकते हैं। तो हमारे अगर नए बच्चे हैं तो कैसे पनीर को लेंगे, आराम से स्पैचुला लें और इस तरह से पनीर को ले लें ताकि आगे नहीं लगेंगे, और इस तरह से हल्का फ्राई इनको कर लें। तो पनीर को हमको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का वाइट ही रखना है, मतलब इनको। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 हरा मिर्च, ये बीच से चीरा लगा लिए हैं, और 3 सूखा मिर्च, इनको तोड़ेंगे नहीं तो बहुत तीखा हो जाएंगे। अब इनको हम थोड़ा सा चटका लेते हैं, जीरा नहीं लीजिएगा तो जीरा का स्वाद आ जाएंगे, तो फिर पंजाबी सब्जी नहीं रहेंगे ये पनीर का। यहाँ पर प्याज लेंगे, तो बड़ा सा एक प्याज था, इनको हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। इनको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। बहुत लोग के थोड़ा कच्चा पन रहते हैं तो पसंद नहीं होता है फ्रेंड्स, तो इनको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे। तो जैसे हम बना रहे हैं आप उसी तरह से एक बार बनाइए पनीर की सब्जी, सारा सब्जी फेल हो जाएंगे इनके आगे। तो हल्का ब्राउन प्याज हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर लेंगे भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इनको हम 1 मिनट भूनेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 शिमला मिर्च। कि शिमला मिर्च बोलिएगा क्यों पनीर की सब्जी में मैम? इसलिए इस बार ने बच्चे भी खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, तो इनको भी हम अच्छा से भूनेंगे फ्रेंड्स। यदि पनीर की सब्जी आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पे बड़ा एक मीडियम मतलब टमाटर बारीक, जिस साइज में हम स्लाइस में प्याज को कट किए हैं उसी स्लाइस में हम शिमला कट किए हैं, और उसी साइड में हम स्लाइसेस में हम टमाटर को भी कट किए हैं, तो साथ में इनको भी हम भून लेंगे। तो 50-50 ये भुना गए हैं, मतलब आधा आधा भून गए हैं। अब हम लेंगे मसाला, और मसाला हम लेंगे फ्रेश होममेड, जो कि इनमें सारे मसाला हैं, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं रसोई मीना के चैनल पर जा करके। तो हम 1.5 चम्मच मसाला लिए हैं, साथ में हम लेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए, और चलाते जाएं इनको इस तरह से 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च हम ले लिए हैं फ्रेंड्स 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच हम चिली फ्लेक्स ले लेते हैं, और इनको अच्छे से भूनेंगे हम। अभी नमक नहीं लिए हैं इनमें, तो 1/2 छोटा चम्मच हम नमक लेंगे, बाद में 1/2 ले लेंगे स्वाद अनुसार। तो पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं मसाला को। मसाला को हम 1 मिनट भून लिए हैं। अब हम 1 चम्मच के करीब पानी लेंगे, 1 चम्मच के करीब पानी ले लिए हैं ताकि मसाला अच्छे से पक जाए फ्रेंड्स। अब इनको अच्छे से पकने देते हैं, फिर क्या अभी ही ले लेते हैं इनमें मैगी मसाला, क्योंकि मसाला भी अच्छे से भून जाए। अब इनको हम कुछ सेकंड भून लेते हैं। तो कुछ सेकंड हम भून लिए फ्रेंड्स, काफ़ी तेल इनमें से छोड़े हैं। तो आपको बताए नहीं, हम पनीर जिस तेल में हम फ्राई किए थे उसी उतना ही तेल में 2 चम्मच के करीब तेल लिए थे, तो उसी में हम पूरा मसाला भूने हैं और शिमला मिर्च प्याज। तो अब हम यहाँ पर लेंगे पानी, बहुत अच्छे से मसाला भुना गए हैं, तो पानी हम 1 चम्मच इनमें से लिए थे और 1 गिलास पानी और लेते हैं। ग्रेवी हमको गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स। 1 उबाल आने दीजिए, फिर हम पनीर लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि 1 उबाल आ गए हैं फ्रेंड्स मसाला में, अच्छे से ग्रेवी बहुत अच्छा बन गए हैं आप देख सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं पनीर, देखिए, और इनको चला लें। अब बस 1 उबाल आने दें इनको, 1 उबाल के बाद ये पनीर का सब्जी तैयार है। हम ढक देते हैं यहाँ पर। तो 1 उबाल इनमें भी आ गए हैं, और जो बचे हुए नमक थे हम उनको ले रहे हैं फ्रेंड्स, और इनको चला लेते हैं अच्छे से, और फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, पनीर का सब्जी हो गया है तैयार। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं, कितना बढ़िया बना है फ्रेंड्स,
पनीर का सब्जी आप देख सकते हैं क्या कलर आया इनमें, और ग्रेवी ग्रेवी तो कमाल के हैं। तो देखिए है ना, इस तरह से हमारे बच्चे भी खा लेंगे और वेजिटेबल भी उनके पेट में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। पनीर की सब्जी बनकर तैयार है फ्रेंड्स, इनको सर्व कर सकते हैं पराठा पूरी चावल के साथ, तो कितना खूबसूरत बने फ्रेंड्स। यदि अच्छी लगी हो हमारी वीडियो पनीर का वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी पनीर का सब्जी बनाइए बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के